तरफ से 24 घंटे के अंदर पलट दिया जाता है। आगे बढ़ते मध्य प्रदेश सरकार पर मायावती ने निशाना साधा है। जी, मायावती का हमला देखने को मिला, दलित परिवार के घर तोड़ने पर निशाना साधा गया है मायावती की तरफ से। सागर जिले में पीएम आवास योजना के तहत बने घरों पर बुलडोजर चला, बीएसपी प्रमुख मायावती ने इसे लेकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश की सरकार को घेरा, दलित परिवार के घरों पर बुलडोजर चलाने की निंदा की है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बुलडोजर की कार्रवाई में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इसे सरकार की निंदा करते हुए निशाना साधा है। दलित परिवार के घर तोड़ने पर निशाना साधते हुए ये कहा कि सागर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों पर बुलडोजर चला, इस पूरे घटना की निंदा भी की है। तो मध्य प्रदेश सरकार पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा आरोप, बड़ा हमला। सागर में पीएम आवास योजना के तहत बने घरों को लेकर उन्होंने निशाना साधा और इसके साथ ही निंदा भी की है। तो सागर में जिस तरीके से घटना हुई, विधानसभा में दलित परिवार के घर तोड़े जाने के बाद सियासत गर्म है और इसे लेकर मायावती की तरफ से भी ट्वीट किया गया। ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार की विध्वंसकारी द्वेषपूर्ण बुलडोजर राजनीति, लोगों के घर और स्कूल तोड़ते तोड़ते अब पीएम आवास योजना के अंतर्गत बने गरीबों के मकान को भी तोड़ने लगी है, जो अति निंदनीय है। बीएसपी प्रमुख मायावती का यह ट्वीट। इसी क्रम में सागर जिले में पीएम योजना के तहत बने 7 दलित परिवारों के घरों का ध्वंस शर्मनाक।